दोस्तों नमस्ते। आज का जो ट्रिप है हमारा शुरू हो रहा है नोबरा से। हम रात को हुंडर में ठहरे थे, कैंप के अंदर में। कैंप हमने दिखाई दिया आपको वैसा था। एंड अभी हम सुबह के बज चुके हैं 9। अब हम शुरू कर रहे हैं पेंगोंग के लिए। पेंगोंग में हमने ऑलरेडी बुक करा हुआ है वहाँ पर एक होम स्टे, तो हम उधर जाएंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे वी विल गो बैक टू लेह। तो रास्ता दिखाएंगे हम आपको कैसा है, ठीक है? अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैप के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज हम ट्रैवल कैसे करने वाले हैं। आज हम जो टोटल ट्रैवल करने वाले हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 173 किलोमीटर। और इस ट्रैवल के अंदर में हम लोग मेनली हाई अल्टीट्यूड्स में नहीं जाएंगे। हम लोग लो और यू कैन से कि नदी के साथ साथ ट्रैवल करते रहेंगे, श्योक रिवर के साथ साथ। और जब श्योक रिवर छोड़ेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग पेंगोंगसो लेक के पास पहुँच जाएंगे। तो इस पूरे ट्रैवल में हमारे पास आने वाला है हुंडर जिधर हम ठहरे हुए हैं, खलसर जहाँ पे हम लोग डाइवर्ट होंगे टुवर्ड्स अगम एंड श्योक के रास्ते। फिर हम अगम, श्योक, दुर्बुक एंड स्वामिक विलेज जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ मतलब आज रात को हमारा स्टे है। तो आज हमारा ये टोटल ट्रैवल रहेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दिलीप जी हुंडर से ही स्वामिक क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, स्वामिक से हुंडर क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे, मतलब इन्होंने पहले पेंगोंग का रास्ता क्यों नहीं बनाया या पेंगोंग का ट्रैवल क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पेंगोंग ठहरेंगे तो आप ऑफकोर्स सुबह ट्रैवल करना शुरू करेंगे। तो जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप तकरीबन अगम तक या श्योक तक कहीं बीच में आएंगे दिन के टाइम पे। और जो जनरली यहाँ पे टूरिस्ट का विजिट ट्रेंड देखा गया है, टूरिस्ट लोग रात में हुंडर में स्टे करते हैं या डिस्ट्रिक्ट में करते हैं और सुबह निकलते हैं वहाँ से पेंगोंग के लिए, तो उनका ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो सपोज करिए कि आप सुबह यहाँ से चले तो उस टाइम में आपको सामने से आने वाला ट्रैफिक बहुत मिलेगा। और अभी आप जब मेरे साथ इधर ट्रैवल करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कितना छोटा रोड है, कितना अलग टाइप का टेरेन है। तो उसमें अपोजिट ट्रैफिक के साथ में ट्रैवल करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। तो इसलिए कभी भी मेरा अपना सोचना है, कभी भी आप अपने ट्रैवल का प्लान करें तो हमेशा प्लान करें हुंडर से पेंगोंग से के लिए, ना कि पेंगोंग से हुंडर के लिए। मतलब मेरा पर्सनल है, बाकी आप अपनी अवेलेबिलिटी मीन्स की अवेलेबिलिटी या फिर अपने टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो अपना रहा है एक्सपीरियंस उसके हिसाब से मैंने बताया। एंड दिस विल बी द इजियर फॉर यू बिकॉज इस रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो यू आर ट्रैवलिंग अलोंग विद द मेनी व्हीकल्स, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ठीक है, अभी मैप को करते हैं हम क्लोज। तो दोस्तों अभी हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया हुंडर से, तो अब हम लोग नोबरा फिलिंग स्टेशन पहुँचे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। नोबरा फिलिंग स्टेशन इज़ द ओनली फिलिंग स्टेशन जहाँ पर आपको फ्यूल की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम टाइम रहती है। तो हमने फ्यूल अब वहाँ से भरवा लिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं खलसर के लिए। लेकिन मेरे को कुछ नज़र आया रास्ते में, यस, तो जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल आप हुंडर से पेंगोंगसो की तरफ करें, तो देखो नतीजा ये। तो खैर मेरा एक्सपीरियंस है, वो निकल जाएंगे, बट ऐसा होता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये था कि आप रात में हुंडर या डिस्किट रुकें और सुबह पेंगोंगसो जाएं, नहीं तो ये सेम सिचुएशन आपके पास पूरा दिन आती रहेगी। अब हम पहुंचने वाले हैं खलसर। खलसर जो कल मैंने आते हुए आपको रास्ता दिखाया था कि यहाँ से डाइवर्ट होता है एक साइड खलसर और एक पेंगोंगसो के लिए और एक साइड ले के लिए। तो ये है वो खलसर वाला चौक, मतलब चौक क्या तिराहा बोलेंगे हम लोग। अब हम लोग इस पे से डाइवर्ट हो गए हैं। ये रोड आपको ना राजस्थान का एहसास कराता है,
अगर आप में से कई लोग जैसलमेर गए होंगे तो आपको रोड देखने के बाद में कुछ याद आएगा पक्का। और कमेंट करके मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में क्या याद आया। ये देखिए रोड रोड देखने के बाद में आपको डेफिनेटली कुछ याद आएगा। जो लोग राजस्थान में ट्रैवल कर चुके, क्या है मैं बता देता हूँ आपको, जो लोग कभी भी तनोट टेम्पल गए हों जैसलमेर के, तो रास्ते में कुछ ऐसा ही नज़र आता है। साइड में बाउंड्री करी होती है और रेत नीचे आ रही होती है, तो दिस इज अ यू नो वन काइंड ऑफ योर मेमोरी रिकॉल। तो चलते हम आगे। दोस्तों अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अगम वैली को, एंड देखिए कितनी सुंदर वैली है। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस इधर श्योक रिवर चल रही है साथ साथ हमारे, फिलहाल पानी तो नहीं है बट देखने में बहुत शानदार है, मज़ा आता है इस वैली को देख के। एंड मन करता है यहीं कहीं रुक जाओ, लेकिन हमारा आज डेस्टिनेशन कहीं और का फिक्स्ड है, तो जाना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ वी विल स्टे हेयर। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये। तो दोस्तों श्योक रिवर के किनारे किनारे अपना रास्ता चले जा रहा था, और नज़ारों को देखो हम एंजॉय कर रहे हैं दोनों साइड से। पहले कभी टीवी में देखे थे ऐसे, लेकिन असलियत में देखते हैं तो बात ही अलग है। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, बस देखने के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता इसे। रोड देखिए, रोड एकदम शानदार रोड बना है, एकदम फ्लैट रोड है, कहीं पे कुछ नहीं है, बस बीच बीच में थोड़े थोड़े जंप आएंगे आने वाले टाइम में, आगे अभी तो नहीं है। तो गाड़ी चले जा रही है वही ग्राउंड्स की तरह, और पूरे फिफ्थ सिक्स गियर में डाल के रखी है। गुड। तो अब हम लोग अगम पहुंच गए हैं, एंड यहाँ से दुर्बुक अगर हम गलत नहीं है तो करीबन 65 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट मेजर स्टॉपेज है, एंड हम लोग वहाँ पर लंच के लिए रुकेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं, रोड अभी तक अच्छा मिला है, लेकिन आने वाले टाइम के बारे में नहीं कह सकते ये। हाँ ये रास्ता मुड़ गया अगम के लिए, सॉरी दुर्बुक के लिए। लेकिन आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर में, कि जो लोग भी इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि ये रोड देखने में जितना खूबसूरत है ना, उतना आगे मुद्दे होने के चांसेस में ज़्यादा हैं, क्योंकि सर ना शार्प एजिज पत्थर रहते हैं जिनसे टायर फटने की जो आशंका है बनी रहती है, टायर पंचर होने की आशंका बनी रहती है। दूसरा ये रोड ना इतना सपाट है कि सब लोग स्पीड में चलते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं लगता कब हम डाउन साइड में हैं, और गाड़ी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देख के चलें, स्पीड को कंट्रोल में करके चलें ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि रोड देखने में अच्छा हो उतना ही खतरनाक है, तो अब आप देख लीजिए दोनों साइड में क्या चीज़ है। तो ध्यान से चलें, और बैकअप के लिए अपना पंप, पंचर किट और ट्यूब दोनों ही साथ में रखें, क्योंकि तो अभी मैंने आते हुए रास्ते में 2-3 लोगों को ऐसा देखा है जो सिर्फ टायर पंचर की वजह से रास्ते में। ये आपको मैं क्या बताऊं इस वैली के बारे में, इतनी खूबसूरत वैली है। सामने देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, आप जैसे ही आप इधर टर्न लोगे नज़ारा ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। देखिए सामने वैली के अंदर में हम एक साइड में रिवर चल रही है, एक साइड में हम चल रहे हैं, नीचे छोटे छोटे पौधे लगे हैं, मतलब पेड़ ही हैं, छोटे छोटे हैं,
बट ऊपर देखिए रेती है, मतलब कुछ समझ सा नहीं आता कि मतलब भगवान ने क्या सोच के बनाया है और किस तरीके से बनाया है। मैं इसको ना डेजर्ट बोलूँ ना मैं इसको रिवर साइड बोलूँ, पानी भी है तो डेजर्ट भी है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं पानी होता है तो हरियाली हो जाती है, यहाँ पर पानी भी है तो हरियाली नहीं है, तो बहुत ही शानदार है। आप देखिए मतलब कैमरे में जस्टिफाई नहीं होता, मैं मतलब पहले भी बोल चुका हूँ इस ट्रिप के अंदर में ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कैमरे में चीज़ों को उस तरीके से कैद करूँ जिस तरीके से मैं देख के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब जिसको देखना है और अच्छी तरीके से तो मैं तो रिकमेंड करूँगा एक बार जाओ और एक बार विजिट कर कर आओ, बट डरना नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं वो घबराना नहीं तो सबसे पहले घबराना नहीं है और जाना है आराम से, तो अपनी सेहत को अपनी गाड़ी को मेंटेन करो और पहुँचो। क्या ही बोलूँ इन रस्तों के बारे में, कभी सही तो कभी एकदम रफ, मतलब इट्स लाइक आप एक पूरी लाइफ ही देख लेते हो इस रस्ते के बीच में। कभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी और शानदार चलने लग जाती है और कभी लाइफ ऊपर और कभी नीचे। तो मेरे को लगता है ये रस्ते हैं ना ये आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सिखाते हैं कि लाइफ कुछ ऐसे ही चलती है, एंड बिना घबराए आपको बस अपने टारगेट की तरफ लगे रहना है, एंड फाइनली जब आप टारगेट पे पहुंचोगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। वो हम भी वैसे ही चल रहे हैं, देखिए थोड़ा रोड ऊपर नीचे हो गया है बट ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ आवर ट्रेवल है और यू कैन से कि पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, अप एंड डाउन, अच्छे रास्ते बुरे रास्ते, एक टाइम आएगा ख़राब हो जाएंगे, एक टाइम आएगा सही हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत ही बहुत शानदार है और क्या बोला जाए इसके बारे में, कुछ नहीं समझ में आता, मैं तो सिर्फ एक दिखा सकता हूँ इसमें कि इतना सुंदर लग रहा है। लो जी दोस्तों अब देखो ये हमारे सामने जाती है क्रेटा के फेफड़े बाहर आ चुके हैं, मना कर दिया मैं नहीं चलती, लगता है इसको CPR देना ही पड़ेगा इन्हें, लगाओ बेटा धक्के, और मजाक की बात नहीं है किसी के साथ भी हो सकता है और क्या पता अभी मेरे साथ ही हो जाएगा। चल तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर कभी कोई गाड़ी फंसती है तो थोड़ा सा वेट करो जब तक तो वो निकल ना जाए, पता लगे आपका भी लग गया है नंबर और आपको भी धक्का मारना ही पड़ गया है, कि भाई साहब यहाँ धक्का मारना ना एक सज़ा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है जब तक गाड़ी में बैठे हो तब तक आप खुश हो, गाड़ी से बाहर निकले तो काम खराब। फाइनली अब देख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, मारेंगे धक्का धुक्का मार के निकालेंगे, निकल जाएगी गाड़ी, सब लोग हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मेरे को लगता है निकल गई है, थोड़ी कोशिश तो कर रहे हैं, हालत ऐसी है तो देख के चलाएं समझ के चलाएं, गाड़ी के टायर नए रखें और ज़रूरत पड़े तो अपनी एक्सपर्टीज का ज़रूर जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों हमारा सफर चलते चलते हम अब दुर्भुक पहुंचने वाले हैं। दुर्भुक जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक मेजर स्टॉपेज रहेगा हमारे लिए लंच या डिनर करने के लिए, वैसे तो लंच करने के लिए है,
लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि यहाँ से एक रास्ता आपको वापस लेह के लिए जाता है जो चांगला पास होते हुए जाता है, जिसमें जब हम वापस आएंगे ना तो हम उधर से होते हुए जाएंगे। एंड ये एक रास्ता इसको निकल जाता है पेंगोंग सो को, तो अब हम उधर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा अपना चाय पानी नाश्ता कर लें, देन वी विल मूव। तो लगाने वाले हैं बस गाड़ी, ये लेफ्ट में ही हमें टर्न लेना है, जैसे सामने गाड़ी जा रही है तो लेफ्ट में, हाँ इधर ही टर्न लेना हमने। और थोड़ी देर लगाएंगे तो अपने, अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, कुछ ढाबे हैं, इससे आगे ढाबे कोई नहीं है, तो आप जा सकते हो अगर जाना चाहें वहाँ पर। एंड अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन में ऐसा है कि ये जो एलिवेशन है इधर का वो करीबन 3800 मीटर के आसपास है, 12,500 फीट होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेह के अंदर में ही आता है ये जो एरिया है। और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना तो आप विकिपीडिया कर सकते हो, विकिपीडिया में भी आजकल सही नहीं लिखा हुआ, तो आप देख सकते हो, और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं लोग बताते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जरा अपना खाना खुना कर लें, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हो गया, गाड़ी का हो गया टायर पंचर। अब भाई अब हम लोगों को टायर में पंचर लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा पंचर लगा ले फिर उसके बाद चलते हैं। तीनों तीनों पंचर लगा रहे, पंचर सीख रहे हो? हाँ सीखना चाहिए, जब गाड़ी को चलाने का शौक है तो पंचर लगाना भी आना चाहिए। कहाँ पे लगाओ पंचर? अबे चाचा इस पे सब कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रोगी घूम। स्ट्रगल्स दीदी साफ कर रही है गाड़ी। जीजा लगा है पंचर। एक्चुअली ना हमारी गाड़ी भी थोड़ा था। दोबारा बोल। पैंपरिंग कर रहे हो तुम? लो दीदी इसको क्रीम भी लगा दो। छोड़ दो छोड़ दो। हाँ भाई क्रीम जी गाड़ी स्टार्ट कर पे। तो देखो दोस्तों, कभी धूप कभी छाँव, जिंदगी ऐसी चलती रहती है। अभी पंक्चर हुआ था और वो भी हमारे लिए एक सेटबैक था, तो हंसी खुशी हम सब ने उस चीज़ को भी बियर किया। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपना भोजन करने के बाद में पेंगोंग के लिए। तो पेंगोंग यहाँ से पास ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बट यहाँ पर करीबन एक बीच में छोटा पैच है जो ख़राब है, बाकी अदरवाइज़ पूरा रोड एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो हम लोग जा सकते हैं। बट हाँ हमें किसी ने गाइड किया कि आप थोड़ा देख के चलाइएगा, क्योंकि इसमें बीच में बम्प है, मतलब पता नहीं लगता, ऑल ऑफ सडन एक बीच में बम्प आ जाता है, तो वो देख के चलाने के लिए बोला है। रेस्ट ऑफ द रोड इज़ वेरी सपाट, बीच में एक छोटा पीस है जो थोड़ा रफ रोड है, बट हो जाएगा। दोस्तों हम उस जगह पहुंच गए जहां पर शाहरुख खान की मूवी जब तक है जहां की शूटिंग हुई थी, एंड वो भी एक हैपनिंग प्लेस बना दी गई है। हालांकि मेरे को कुछ स्पेशल नज़र नहीं आया इधर, हाँ अदर देन द सीनिक ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी ऑसम है, सामने देखिए कितना शानदार है, मतलब बात ही अलग है उसकी, और डिस्क्राइब तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्व करो आप एक बार। अगर आप सोचो कि अगर आपको इधर आने का मौका लगे तो कैसा लगेगा आपको, कितने सुंदर रोड बने हुए हैं, सामने दो पहाड़ है, बीच में से रोड निकल के जा रहा है, और ऊंची वाली चोटियों पर बर्फ पड़ी हुई है, एक मतलब आप सोच ही सकते हो ऐसा व्यू है। तो दोस्तों बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म होने वाला है और हम पेंगोंग का फर्स्ट व्यू देखने वाले हैं, बने रहिए आप हमारे साथ में। और वी आर जस्ट रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर ब्लॉग ऑल्सो, देखते हैं थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं पेंगोंग का ना फर्स्ट व्यू।
तो दोस्तों अब हम लोग पेंगोंग लेक के पास पहुंचने वाले हैं एंड आपको मैं आपका पहला व्यू दिखाता हूँ पेंगोंग लेक का। यहाँ पे लिखा ना लुकुंग 1 किलोमीटर और आपको सामने नजर आएगी। तो दोस्तों हमारे फाइनल टारगेट पेंगोंग सो लेक पर आपका स्वागत है। ये पेंगोंग सो लेक जिसके लिए हम सुबह से ड्राइविंग कर रहे थे और खूबसूरती तो अब मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा वो सामने देख के पता लग जाएगा। और अगर इसके देखने के बाद भी आपकी इच्छा ना करे इधर आने की तो शायद मेरा व्लॉग बनाना बेकार जैसा लगता है। इतना शानदार है, कहाँ कहाँ देखूँ इसमें, मतलब समझ नहीं आता, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये एक खारे पानी की झील है और करीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13,800 फीट की ऊंचाई के ऊपर मैं हूँ और रात को हवा बहुत तेज़ चलती है, सर्दियों में पूरी झील जमी रहती है। और इसके अलावा कुछ और पढ़ना हो तो इंटरनेट खोल लो मोबाइल में और पढ़ लीजिए, बट इस वक्त ना कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं हूँ क्योंकि मेरा ना दिमाग सारा ड्राइविंग करते करते मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और इतना सही है व्यू, दिल कर रहा है कहाँ रखूँ गाड़ी, कहीं फटाफट गाड़ी रखूँ और मैं इधर लेक के पास चला जाऊँ। चलो कोई नहीं, गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद थोड़ी देर टाइम हम इधर ही बिताएंगे और उसके बाद जाएंगे अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमने ठहरा। दोस्तों गाड़ी चलाते चलाते करीबन 13 घंटे हो चुके हैं और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन फॉमिक विलेज में पहुंच चुके हैं और जस्ट थोड़ी सी दूर पर हमारा होम स्टे है जिधर हम आज रात को रहने वाले हैं। लोकेशन बहुत शांत है और सामने एक मोबाइल टावर भी है। उम्मीद करता हूं कि इंटरनेट चल रहा हो और अगर चल रहा होगा तो ये डाटा अपलोड हो जाएगा आज के। तो अभी ज़रा गाड़ी खड़ी करेंगे, ये राइट हैंड साइड में हमारा होम स्टे है, हाँ इधर, तो लगाते हैं हम गाड़ी एंड थोड़ा ज़रा देखें अपना हिसाब किताब रहने के लिए। तो दोस्तों आज अब विदा लेने का टाइम आ चुका है, अब हमारे व्लॉग को क्लोजिंग का टाइम दे रहे हैं। तो आज काफ़ी हेक्टिक डे रहा बट मेरी कोशिश रही कि इन 15-20 मिनट के अंदर में जो मैं सब दिखा सकूं आपको दिखाया। होप करता हूं कि आप इंजॉय करा होगा आपने और आपने मेरे जैसा ही फील किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इन सारी चीज़ों को बना पा रहा हूँ बट अगर मेरे को रिवर्ट बैक नहीं आ रहे हो ऐसे से, क्योंकि मैं रोज़ एनालिटिक्स देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार सही नहीं है, कहीं पे मेरे कमी रह गई है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उन कमियों को भी पूरा कर सकूँ। तो मिलते हैं कल हम आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा।